तो जैसा कि बच्चा आपके टेस्ट पेपर में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था कि जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो आपका मस्जिद बनाई गई थी इसका निर्माण किसने करा था। ऑप्शन ए दिया गया था इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या बाबर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया, और इन्हें गिबर ऑफ लैक्स भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। और जो दिल्ली में कुतुब मीनार की जो शुरुआत करी थी बनाने की, वो इन्हीं के द्वारा कराया गया था। बाद में उसे अन्य राजाओं के द्वारा क्या किया गया, कंप्लीट कराया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, भारत में मिड डे मील की योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में मिड डे मील जो आपका मध्यान्ह भोजन योजना की शुरुआत हुई थी 1995 में, इसकी शुरुआत होती है मिड डे मील योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन दिया गया था राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ पे हुई? तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कानपुर के अंदर आयोजन किया गया था, इसका राष्ट्रीय गंगा परिषद का, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन था, ये ड्यूज शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो ड्यूज शब्द आपका किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ आपका टेनिस से, उसी तरह से जैसे आपका डायमंड शब्द बेसबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रिंग शब्द किससे, बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है, इस तरह से आपका, ठीक है। जैसे रिंग की बात करेंगे हम लोग आइस हॉकी से, तो अलग अलग शब्दावली आते हैं, अलग अलग टर्म्स आते हैं आपके, तो उसी तरह से ड्यूज जो शब्द है आपका ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो अपर हाउस है यानी राज्यसभा, इसके सभापति कौन होते हैं? तो इसके सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो वेंकैया नायडू जी वर्तमान समय पर उपराष्ट्रपति हैं, तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाएंगे हम लोग, एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? व्हाट इज जस्ट द एलिसा टेस्ट? तो ये किससे होता है बच्चा आपका? तो सी इसका राइट आंसर आएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसन सिंड्रोम से होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, HIV वायरस किस पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये करता है किस पे, प्रतिरक्षा तंत्र पे, यानी कि इम्यून सिस्टम को फेल करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देता है HIV वायरस। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है आपका कि थॉमस कप किससे संबंधित है, तो थॉमस कप आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर था। ये किससे जुड़ा हुआ है आपका, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। दक्षिण की गंगा किसे, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा, समझ लो अच्छे समझें इस क्वेश्चन को। विच रिवर कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा हम लोग किसे मानते हैं? तो ये कहा जाता है कावेरी नदी को, समझ लो। और दक्षिण गंगा अगर पूछेगा तब आएगा आपका गोदावरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, जबकि दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, सुसाइड बैग के नाम से किसे जाना जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एज द सुसाइड बैग, राइबोसोम, लाइसोसोम से या माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट होती है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गन है समझ, उसके सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। और सेल में क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं, उसमें से क्या होता है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है। तो इनमें से लाइसोसोम जिसमें हाइड्रोलिटिक एसिड प्रेजेंट होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। अब ये हाइड्रोलिटिक एसिड क्या करती है, ये भोजन को पचाने में सहायक होती है। यदि ये डैमेज हो गई या फट गई तो इससे क्या होगा, ये हमारे ऑर्गन को ही पचा देगा। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहा जाता है, किसे, लाइसोसोम को। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जी, बराक ओबामा या मलाला यूसुफजई? तो ये किसके बच्चा, ब्लैक गांधी के नाम से जाने जाते थे, नेल्सन मंडेला। और प्रत्येक वर्ष आप लोग 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे के रूप में सेलिब्रेट करते हो, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए साथ में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया गया, 11। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई, हु इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी? तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई बच्चा आपका किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखी गई बुक है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है, व्हिच इज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूट ऑफ द कृष्णा? तो इनमें से कौन सी बच्चा, तो सही आंसर आएगा आपका डी, ये सभी, कोयना हो गई, भीमा हो गई, तुंगभद्रा, मूसी नदी, ये सभी किसकी, कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। और कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण डैम आपका याद होगा तो नागा अर्जुन श्री सेलम बांध आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये दिया गया था आपको टेस्ट में, तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र के उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है प्रत्येक वर्ष संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है।
अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, आप लोग ढूंढ सकते हैं उस क्वेश्चन को और कमेंट्स में। और साथ ही साथ याद रखना, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, जो भी अपने आंसर को मैच कर रहे, एंड में जैसे ही आप लोग इस वीडियो का समाप्त हो जाएगा, आपने प्रैक्टिस पेपर दे दिया, एंड में आप लोग मुश्किल से इस पूरी प्रोसेस में आपको 10 मिनट लगेंगे, समझ रहे हो। 10 मिनट यानी कि आपने टेस्ट पेपर करा, उसके बाद आपने वीडियो देखी, वीडियो में अपने आंसर को मैच करा, उसके बाद आपको 10 मिनट में ये पूरी प्रोसेस आपकी समाप्त हो जाती है। आपको कमेंट्स बॉक्स में यानी कि आप प्रेजेंट हो, समझ रहे हो, आप क्या हो, प्रेजेंट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कमेंट्स बॉक्स में अपने मार्क्स बताने होंगे कि सर मेरा, मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और मेरे मार्क्स इतना आए, सिर्फ इतना बता देना है। क्योंकि हमें रेगुलरली पता चल जाएगी कि कौन सा बच्चा एक्टिव रहता है, मुझे तो पता चल जाता है कि किस बच्चे ने एक्टिव था, लेकिन आप अपने एंड से भी ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे कि सर मेरे इतने मार्क्स आए, ठीक है। ये आप और हमारे बीच में एक एटमोसफेयर क्रिएट करने के लिए है, ठीक है, एक एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए, समझ रहे हो। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात करेंगे हम लोग, बेकॉल लेक, जो कहाँ पे स्थित है, तो ये रसिया के साइबेरिया प्रांत में स्थित है बेकॉल लेक, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, 2022 में कौन सा देश राष्ट्रीय निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, विच कंट्री विल बी होस्ट कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड हर्ष जो चैंपियनशिप इज द 2022, तो कौन करेगा बच्चा, भारत करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका, बी, ठीक है। अशरफ गनी जो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल भी इन्होंने क्या करे, विनर है, ठीक है, प्रेसिडेंटल इलेक्शन जीता है इन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए, तो अशरफ गनी कहाँ पे बच्चा आपका, अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने आपका कहाँ पे, अफगानिस्तान के अंदर। साथ ही साथ याद रखना, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है, सोरा, क्यों चर्चा में है, यहाँ पे एक ब्लॉक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा है, भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया, अटल ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय भाला फेंक को नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया, विच इंडियन बच्चा जेवलिन थ्रो, ठीक है, जिसे 4 साल के लिए नाडा के द्वारा, नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो स्पोर्ट्स क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो किसे कर दिया बच्चा आपका, अमित दहिया, आपसे पूछा जा सकता है कि अमित दहिया अभी चर्चा में रहा तो ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि भाला फेंक से जेवलिन थ्रोअर है, ठीक है, जिन्हें क्या कर दिया गया, नाडा के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया अगले 4 वर्षों के लिए। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है, विच इंडियन स्टेट, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर था बच्चा ये महाराष्ट्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया कि भारत में रिसेंटली पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने वाला स्टेट कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र, यानी कि जैसे आपका जलवायु परिवर्तन पे COP25 कहाँ पे हुआ, स्पेन मैड्रिड की वहाँ पे हुआ, ठीक है, मैड्रिड में हुआ, स्पेन के अंदर, जिसे चिली में होना था लेकिन बाद में कहाँ हुआ, स्पेन मैड्रिड के अंदर। तो उसी तरह से आपका COP26 का आयोजन कहाँ पे होगा, जलवायु परिवर्तन पर जो आपका सम्मेलन होगा, तो ये कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर होगा, बहुत बढ़िया, कहाँ पे होगा बच्चा आपका, ब्रिटेन में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें भारत की रैंक कौन सी है, 80 रैंक हो गई, ठीक है, जो आपका, ठीक है, इंडियाज रैंक रिसेंटली रिलीज द करप्शन यहाँ पे प्रेसेंशन, ठीक है, इंडेक्स 2019 में कितनी है, तो 80 है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया आपका कहाँ पे, भोपाल के अंदर, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, वेयर विल बी इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, जो आपका इनोग्रेट किया गया, तो कहाँ पे, भोपाल के अंदर। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, किस राज्य ने 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम में शीर्ष स्थान प्राप्त करा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया महाराष्ट्र। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें, पहली बार खेलो इंडिया गेम कब हुए थे आपके, 2018 में, दूसरी बार कब हुए आपके, 2019 में, तीसरी बार कब हुए आपके, 2020 में, पहली बार दिल्ली में, दूसरी बार पुणे में, तीसरी बार गुवाहाटी में, DPG याद रखना आप लोगों को, ठीक है, DPDG याद रख लीजिए आप लोग, समझ लो, यानी कि दिल्ली से लेकर पूना, पूना से लेकर कहाँ गए, गुवाहाटी, खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए, समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, हाल ही में जारी की गई जो आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के तहत डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2019 में भारत को किस स्थान पर रखा गया, तो भारत की रैंक थी इसमें 51वीं रैंक थी, 51वीं रैंक थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 11वें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, अमित शाह जी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अभी 11वें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए भाजपा के, तो वो कौन है, तो इनका नाम है बच्चा क्या, जयप्रकाश नड्डा, सॉरी बच्चा जगत प्रकाश नड्डा, जयप्रकाश नहीं, जगत
प्रकाश नड्डा, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये बार बार मैं आप लोगों को रिपीट कराता हूँ, ठीक है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर होगा, तो कौन सा देश बच्चा यहाँ पे क्या दिया गया, सबसे ज़्यादा जो कार्बन रिलीज करता है वो कौन है, यहाँ पे साउथ अमेरिका से, समझ रहे फौजी बच्चा आपका, यूएसए। अमेरिका क्या है, सबसे टॉप पर है, जहाँ पे भारत की रैंक कौन सी है, 5वीं रैंक है, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से बचा हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस जो आप लोगों को डेली मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोग, यदि आप लोगों के इसके बाद भी कोई सवाल होते हैं तो आप इस नंबर पर 8006211521 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, समझ रहे हो, यदि आप लोगों के कोई भी सवाल हो, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे क्या होता है, पहले वीडियो देखेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगी, तो पीडीएफ के लिए बच्चा जो भी क्वेरी हो आपकी, आप सीधे मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, कहाँ से आपको क्या प्रोसेस होगी पीडीएफ को प्राप्त करने का, ठीक है। तो समझ रहे हो सभी लोग, अपने मार्क्स ज़रूर आप लोग यहाँ पर बताएंगे, और इस वीडियो को शेयर बिल्कुल ना करें। हाँ, पेपर आप लोग शेयर कर सकते हो, फर्स्ट प्रोसेस यही है कि बच्चा पहले पेपर करे, पेपर करने के बाद ही वो वीडियो देखे, ठीक है। तो बच्चा मैं आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग छठे लेक्चर में, यानी सेट सिक्स में, और डेली आप लोग प्रैक्टिस देते रहिए, आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होने वाला है। इसी तरह से नॉन टेक में आप लोग रैली 25 क्वेश्चंस को नोट करिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं तो इन 25 क्वेश्चनों में से प्रत्येक क्वेश्चंस के नीचे जब आप लोग प्रिंट आउट निकालोगे तो उनसे जुड़े हुए कुछ की फैक्ट, कम से कम 2 की फैक्ट तो लिखिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चा आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसी तरह से कंटिन्यू करने के लिए आप लोग फीडबैक अपना जरूर देंगे। धन्यवाद।